हिमेश अंकल विल कम इन. हिमेश एंड समीर जी वर्कड हैंड इन हैंड सो दैट वी कुड हैव ऑल द फाइव सॉन्ग्स इन द फिल्म. एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हिमेश वाज दैट ही यूज्ड दिस फिल्म नॉट एज यू नो के अरे यार इतनी बड़ी पिक्चर नहीं है, इतने सारे सुपरस्टार्स नहीं है इसमें, बट ही रिस्पेक्टेड इट फॉर द स्टोरी ऑफ द फिल्म. ही सेड ये पिक्चर आप बना लो और इसके लिए मैं अपनी प्राइस भी कम करूँगा, सब कुछ कम करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा. और उस आदमी ने फर्स्ट सॉन्ग मेरे को सुनाया था केसरिया. केसरिया इज़ अ फ्यूजन ऑफ अ सॉन्ग विच इज़ केसरिया पधारो मारो देश विथ अ सॉन्ग विच इज़ अबाउट अगेन समवन रिमेंबरिंग इस फिल्म, जो नन्हे अपने दोस्त को याद कर. हिमेश ने बहुत अच्छा, आई थिंक आई रियली लाइक द म्यूजिक ऑफ नानी जयसिंह. एंड आई थिंक हिमेश एज यूजुअल ज़्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं उसको, क्योंकि हमेशा वो अच्छा म्यूजिक देता है. एंड इसमें भी इज गिवन रियली गुड म्यूजिक. नन्हे का म्यूजिक बहुत अच्छा है क्योंकि सारे गाने दिल को छूते हैं. सारे गाने जहाँ जहाँ पे गाना आना चाहिए वहीं पे गाना आया, और जहाँ जहाँ पे गाने की जो लिरिक्स होनी चाहिए थी, जिस तरह का ट्यून होना चाहिए था, हिमेश जी ने बहुत अच्छा काम किया. एक पल कहीं ना मुझे चैन आए रे. उल्फत इज समथिंग वेयर वी आर इंट्रोड्यूसिंग बॉबी ड्योल इन द फिल्म. द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सुपरस्टार ऑन अ स्टेज विद अ प्लेटफॉर्म विद 50,000 पीपल इन अ क्राउड, स्कैनर्स, लाइट्स, दिस दैट गोइंग, सो इट हैज टू बी अ वेरी फास्ट बेस्ड सॉन्ग. एंड द होल बीट इज विद इट सो दैट इट गिव्स द हाई कि हाँ एक किसी का इंट्रोडक्शन है. Ulfat, the song, it's been done to show me as an actor when people see me first time in the film, because that establishes that I'm Bobby Deol in the film. Ulfat mein to mera dream hai, usme main ja raha hu aur sapne mein main pure crowd mein hu, usko aise wo dance kar raha hai, main bhi dance karta hu aur dost chillata hu usme. उल्फत के कई ऑप्शंस थे जो हिमेश ने हमको दिए थे, कहाँ कहाँ से उसने चार पांच सर ये गाना सुनिए माइंड ब्लोइंग है, इससे बेटर तो मैं हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में. और ये दिस इज उल्फत. My little one loves it. Keep singing it all the time. जब से तुमसे हुई दोस्ती, एक दोस्ती का गाना चाहिए था, जो गाना था जब से तुमसे हुई दोस्ती. मेरे नन्हे यार, जब से तुमसे हुई दोस्ती मेरा फेवरेट सॉन्ग, मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग टू शूट. एक बड़े आदमी और छोटे बच्चे की दोस्ती का गाना, मेरे को आज भी इतना प्यारा गाना है वो, पहली बार सुनते याद रह जाता है, जितनी बार भी सुनो अच्छा लगता है सुनने. जब हमने डिसाइड किया कि ये गाना रखेंगे तो इसकी मेलेडी स्ट्रांग होनी चाहिए थी. इट गिव्स यू अ वेरी ईजी फील, इट्स गोइंग विद द फ्लो ऑफ द होल फिल्म एंड ऑल. अगर आप गाना देखें तो उसमें मोमेंट्स है दो दोस्तों के बारे में. इट्स बिटवीन वन गाय हु इज अ स्टार एंड वन गाय हु इज अ चाइल्ड. वैसे इसमें एकदम डांस डांस जैसा आइटम नंबर जैसा तो है ही नहीं. जैसे सॉफ्ट फिल्म में इज गिवन सम वेरी नाइस सॉफ्ट मोमेंट्स, वेरी इमोशनल मोमेंट्स. टू वॉच मोर लॉग ऑन टू www.erosentertainment.com.